हेलो एवरीवन। तो बेटे, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपना इंग्लिश का लेसन 3 कर चुके हैं, लेसन 3 तक कर चुके हैं। इसके बाद हम एक पोएम भी कर चुके हैं। अब हम अपना लेसन 4th स्टार्ट करेंगे। तो देखो क्या है बेटे, लेसन 4th, इसका नेम क्या है, अ टाइगर टेल्स हिज स्टोरी। जो टाइगर, ये सामने आप टाइगर देख रहे हो ना, अ टाइगर टेल्स हिज स्टोरी। जो टाइगर है अपनी टेल्स बताता है, हिज स्टोरी अपनी स्टोरी बता रहा है इसमें। तो ये पूरा लेसन है। तो देखो सबसे पहले हम स्टार्टर किट पढ़ेंगे। तो देखो क्या था, टाइगर द लॉयन द पैंथर द लियोपार्ड द जैगुआर द चीता एंड द लिनेक्स आर ऑल ऑफ द फैमिली। ये सारे एक ही परिवार के सदस्य हैं। ये आपको सामने पिक भी दिख रही है ना, तो आप ये लाइन वाइज ही पिक लगी हुई है, जैसे टाइगर की है, फिर लॉयन की है, फिर पैंथर के, लियोपार्ड के, जगुआर की है, चीता की है, लिनेक्स की है। तो ये आप ऐसे ही इनको एज इट इज़ ध्यान रखोगे कि कौन सा जानवर कौन सा है, ठीक है बेटे। तो फ्रॉम अ कॉलेज ऑफ देयर फोटोग्राफ्स ऑन द स्पेसिस गिवन बिलो। तो आपने यहाँ ये इसमें भी पिक्चर, जैसे मार्केट से कई बार मिलती हैं, तो पिक्चर आपने यहाँ पे भी इसकी लगानी है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, जानवर हैं, किसके, जो टाइगर है उसकी फैमिली के ये सदस्य हैं। तो एक टाइगर है, वो अपनी स्टोरी बता रहा है। देखो शेर है, चीता है, बन बिलाव है, और जैसे पैंथर है, लिनेक्स है, तेंदुआ है, ये सारे क्या हैं, इसकी टाइगर की फैमिली के सदस्य हैं। नाउ गेट सेट, अब हम स्टार्ट करते हैं लेसन। डू यू नो मी, टाइगर कह रहा है, डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हो। आई एम अ मेम्बर ऑफ़ द कैट फैमिली, मैं क्या हूँ, एक सदस्य हूँ ऑफ द कैट फैमिली, बिल्लियों की फैमिली का, बिल्लियों के परिवार का क्या हूँ, एक सदस्य हूँ। द लॉयन, जो शेर है, द लियोपार्ड, तेंदुआ है, जैगुआर है, लिनेक्स है, बन बिलाव है, आर द मेम्बर्स ऑफ द कैट फैमिली। ये सारे जो हैं कैट फैमिली के, मेरे ही परिवार के जो सदस्य हैं, ये बिल्लियों के परिवार के ही सदस्य हैं। कौन कौन से, जैसे लॉयन है, लियोपार्ड है, जैगुआर नेक्स है, तो ये सारे क्या हैं, मेरे ही फैमिली के सदस्य हैं, ठीक है बेटे। तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसको। तो टाइगर अपने बारे में ही अब तो बता रहा है, आई एम द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द कैट फैमिली, मैं सबसे बड़ा जो मेंबर हूँ कैट फैमिली का, जो बिल्लियों का परिवार है उसका सबसे बड़ा सदस्य हूँ। आई एम कॉल्ड ए टाइगर, मुझे क्या बोलते हैं, टाइगर के नाम से जाना जाता है। फ्रॉम द नोज टू द टेल, नाक से लेके पूंछ तक, फ्रॉम द नोज टू द टेल, आई एम 10 feet लॉन्ग, मैं 10 feet लंबा हूँ, माई वेट इज़ अबाउट 350 kilograms, जो मेरा वेट है, मेरा वज़न है वो 350 kilograms है। वो एक टाइगर का कितना वेट होता है बेटे, 350 kilograms, ठीक है बेटे। और इसकी लंबाई कितनी होती है, 10 feet। इसको आपने ध्यान से याद रखना, ये आपका इन फ्यूचर GK में जहाँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वहाँ भी आपके काम आएगा। तो नेक्स्ट देखो क्या है, वी टाइगर्स लिव इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया, जो हम टाइगर हैं, लिव इन डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, ऑफ एशिया, एशिया के, बट आई लिव इन इंडिया, मगर जो मैं हूँ मैं इंडिया के अंदर रहता हूँ। द पीपल ऑफ इंडिया हैव गिवन मी ग्रेट ऑनर, जो इंडिया के लोग हैं वो मुझे गिवन मी देते हैं ग्रेट ऑनर, ग्रेट क्या होता है, बहुत ऑनर, बहुत ही इज्जत देते हैं। दे हैव मेड मी देयर नेशनल एनिमल, मुझे उन्होंने क्या बनाया है, अपना जो नेशनल एनिमल है, राष्ट्रीय जानवर बनाया है, राष्ट्रीय पशु बनाया है। इंडिया का राष्ट्रीय पशु कौन सा है बेटे, विच इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, दैट इज़ टाइगर, विच इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, दिस इज़ टाइगर, वो क्या है, टाइगर है। तो देखो इसके बाद क्या है, बता रहा है, नाउ दे डोंट किल मी फॉर स्पोर्ट और फॉर माई स्किन, अब दे डोंट, वो मुझे नहीं किल मारते मी, मुझे फॉर स्पोर्ट, खेलने के लिए, और फॉर माई स्किन, मेरी चमड़ी के लिए या खेलने के लिए मुझे मारते नहीं हैं। तो देखो क्या है, माई बॉडी, जो मेरा शरीर है, हैज़ अ लवली कोट, इसके ऊपर, लवली कहते हैं बहुत ही प्यारा, कोट एक आवरण है, इसके शरीर के ऊपर एक आवरण है ना, आवरण क्या होता है बेटे, कवर अप होता है, ढका हुआ है, कवर है। इट हैज़ अ येलो कलर ऑफ एन ऑरेंज, इसका क्या है, कलर है येलो कलर है, ऑरेंज वाला येलो कलर है, ठीक है बेटे। एक तो सिंपल येलो कलर होता है, ये ऑरेंज वाला येलो कलर है, येलो कलर ऑफ ऑन एन ऑरेंज, ऑरेंज का जो येलो कलर है वो मेरे शरीर का रंग है। आई हैव नैरो ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन माई बॉडी, तो देखो ये नैरो स्ट्रिप्स है ना, इसके ऊपर है,
तो क्या है, ब्लैक स्ट्रिप्स हैं, काले रंग की जो नैरो धारियां हैं इस टाइप से, है ना, देखो कोई कहाँ से, कोई सीधी है कोई कैसी है, तो ऐसी धारियां हैं ऑन माय बॉडी, मेरे शरीर के ऊपर। माय चीक्स आर वाइट, जो मेरे चीक्स हैं, गाल हैं, वो वाइट हैं। द इनर साइड ऑफ ईच लेग इज़ ऑल्सो वाइट, जो लेग्स हैं उनकी जो अंदर वाली साइड है वो भी वाइट है। आई हैव अ लार्ज वाइट स्पॉट, जो मेरे हैं, आई हैव अ लार्ज वाइट स्पॉट, जो सफ़ेद निशान है ओवर ईच आई, जो मेरी आँख है इसके ऊपर क्या है, बड़े बड़े वाइट कलर के निशान हैं। इसके बाद देखो क्या है, माई विस्कर्स आर ऑल्सो वाइट, जो मेरी मूंछे हैं, देखो ये मूंछे हैं वो भी ऑल्सो वाइट, सफ़ेद हैं। दे आर क्वाइट स्टफ़, ये क्या है, बहुत ही कठोर होती हैं, जो शेर की मूंछे होती हैं वो बहुत ही कठोर होती हैं, सख्त होती हैं। माई आइज़ आर लार्ज एंड राउंड, जो मेरी आंखें हैं वो बहुत बड़ी हैं, एंड राउंड गोल गोल हैं। आई कैन सी थिंग्स क्लियरली एट नाइट, मैं रात को जो चीज़ें हैं क्लियरली, साफ़ सुथरे तरीके से रात को मैं देख सकता हूँ। आई हैव शार्प ईयर्स, मेरे जो कान हैं वो बहुत ही तीखे हैं, एंड अ गुड नोज़, और अच्छी जो है नाक भी बहुत तेज़ है। आई कैन हीयर द लोवेस्ट साउंड, मैं बिल्कुल धीमी आवाज़ भी सुन सकता हूँ। आई कैन स्मेल थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस, मैं बहुत ही दूरी से कोई भी चीज़ है उसको सूंघ सकता हूँ, जो मेरी स्मेल पावर है वो भी बहुत अच्छी है। माई पाज हैव पैड्स, जो मेरे पंजे हैं वो पैड्स हैं, जो क्या पैड्स कहते बेटे, बिल्कुल स्थिर हैं, सीधे हैं। दे मेक नो साउंड, वो बिल्कुल आवाज़ नहीं करते। स्थिर कहते बेटे पैड होता है ना, एक पैड क्या होता है, बिल्कुल बेटे सीधा होता है, वो ऊपर नीचे कहीं से भी नहीं होता। दे मेक नो साउंड, उसी तरह जो है जो टाइगर है उसके पंजे हैं वो भी आवाज़ नहीं करते। व्हेन आई वॉक और रन, जब मैं चलता हूँ या फिर दौड़ता हूँ वो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करते। मीट इज़ माई फेवरेट फूड, जो मांस है वो मेरा फेवरेट फूड, बहुत ही मनचाहा खाना है। आई डोंट लाइक फ्रूट्स, मैं जो पसंद नहीं करता हूँ फ्रूट्स, फ्रूट को, मिल्क, दूध को और वेजिटेबल सब्जियों को पसंद नहीं करता हूँ। आई लाइक द फ्लैश ऑफ पिग्स, मुझे पसंद है मांस, किस किस का, पिग्स, सुअर का, गोट, बकरी का, एंड डियर, हिरन का, हिरन का, सुअर का और बकरी का मांस मुझे बहुत पसंद है। आई ऑल्सो लाइक बफेलो मीट, मैं बफेलो के मीट को भी पसंद करता हूँ, जो भैंस है उसके मीट को भी पसंद करता हूँ, मांस को पसंद करता हूँ। आई किल एन एनिमल, मैं एक जानवर को मारता हूँ, ओनली वैन, जब मैं, सिर्फ तभी मारता हूँ, व्हेन आई एम हंग्री, जब मैं भूखा होता हूँ। आई नेवर किल फॉर स्पोर्ट, मैं कभी भी खेलने के लिए किसी जानवर को नहीं मारता। ठीक है बेटे, तो ये आज के लिए आपके लिए इतना ही लेसन था। तो ये जो है मैंने आपको पढ़ा दिया है, एक बार हल्की सी रिवीजन करा देती हूँ इसकी। तो इसमें कुछ बहुत सारे जो हैं जीके के क्वेश्चंस भी हैं, तो इनको आप अच्छे से इस लेसन को रीड करोगे, जो आपके इन फ्यूचर जो है यूज़ होगा। तो आम 10 फिट लॉन्ग, तो इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी, हाउ मच लेंथ ऑफ एन ए टाइगर, तो हाउ मच लेंथ ऑफ ए टाइगर, दैट इज़ 10 फिट, 10 फिट जो इसकी होती है लेंथ होती है, और वेट कितना होता है, 350 किलोग्राम। हाउ मच वेट ऑफ अ टाइगर, 350 किलोग्राम। ठीक है बेटे, और ये रहता कहाँ है, इट लिव्स इन इंडिया, इट लिव इन इंडिया। ठीक है बेटे, तो इस टाइप से आपको इसने इसे अच्छे से बार बार इस वीडियो को देख के लर्न करना है, समझना है इस लेसन को, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर इस लेसन को आप अच्छे से रीड कर लोगे तो क्वेश्चंस आप बड़े ही आसानी से कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।